ये तो पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़ना किसको नहीं लड़ना, गांव गांव की चर्चा से टिकट नहीं टिकट का फैसला तो पार्टी कांग्रेस पार्टी से हेमाराम जी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप नहीं, पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा ना। पार्टी तो हेमाराम जी बार बार मना करने क्या वजह सर? नहीं मैंने MLA का ही चुनाव नहीं लड़ा तो फिर अब MP का लड़ने की मेरे कोई मतलब नहीं है। पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ोगे आप? नहीं पार्टी ने तो MLA के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था मेरे को, पर मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने मना किया था। तो अब लोकसभा का चुनाव है तो फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। अगर अगला आलाकमान कहता है कि हेमाराम चौधरी को चुनाव, आलाकमान को मैंने बता दिया किसी और को मौका दिया जाए। बहुत रैली है, पहला चुनाव 80 में लड़ा और 80 से लेके अब तक मैंने 8 चुनाव लड़े, 6 बार मैं MLA बन गया। बहुत पार्टी के लिए जितना मेरे से हो सका किया, जनता के लिए हो सका तो किया, अब इससे आगे और दूसरों को मौका मिलना चाहिए। स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक, आज CEC की बैठक है दिल्ली में, उसमें हो जाएंगे, बाकी रहेंगे तो अगली बैठक में हो जाएंगे। सर गाँव ढाणी में चर्चा है कि हेमाराम जी इस बार लोकसभा चुनाव से टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। धरना प्रसंग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको चुनावी बॉन्ड के जरिए जो पैसा मिला है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक करने का निर्णय दे दिया है, और उस निर्णय के बावजूद भी बैंक उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। ये इससे साफ स्पष्ट होता है कि बैंक की और भारत सरकार की मोदी जी की साठ गांठ है, उस साठ गांठ की वजह से इसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। और इसको अगर सार्वजनिक करेंगे तो उनकी सारी जो पोल है वो खुल जाएगी, किस तरह से किन किन लोगों से कितना कितना पैसा इनको राजनीतिक पार्टियों को मिला है, उसमें ये तो जग जाहिर है कि पैसा भारतीय जनता पार्टी को जो मिला है वो सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, बाकी पार्टियों को तो नाम मात्र का पैसा मिला है। इस वजह से उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ये इसको छिपा रहे हैं। क्या मानना है सरकार कितनी तानाशाही कर रही है? इससे ज़्यादा तानाशाही क्या, जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है उस निर्णय की तहत इसको सार्वजनिक करना है जनता के बीच में, कभी किससे कितना पैसा किस पार्टी को मिला है, तो इसको सार्वजनिक करने में इनको कहाँ परेशानी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है लेकिन उसके बावजूद भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि दाल में काला है। तो लोकसभा चुनाव जो है भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस कब तक लिस्ट जारी करेगी? ये तो स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक, आज CEC की बैठक है दिल्ली में, उसमें हो जाएंगे, बाकी रहेंगे तो अगली बैठक में हो जाएंगे। सर गाँव ढाणी में चर्चा है कि हेमाराम जी इस बार लोकसभा चुनाव से टिकट लेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ये तो पार्टी तय करेगी किसको चुनाव लड़ाना किसको नहीं लड़ाना, गांव गांव की चर्चा से टिकट नहीं टिकट का फैसला तो पार्टी कांग्रेस पार्टी से हेमाराम जी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी टिकट देगी वो लड़ेगा ना। पार्टी तो हेमाराम जी बार बार मना करने क्या वजह सर? नहीं मैंने MLA का ही चुनाव नहीं लड़ा तो फिर अब MP का लड़ने की मेरे कोई मतलब नहीं है। पार्टी अगर कहेगी तो चुनाव लड़ोगे आप? नहीं पार्टी ने तो MLA के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा था मेरे को, पर मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी इसलिए मैंने मना किया था। तो अब लोकसभा का चुनाव है तो फिर किसी और को मौका दिया जाएगा। अगर अगला आलाकमान कहता है कि हेमाराम चौधरी को चुनाव, आलाकमान को मैंने बता दिया किसी और को मौका दिया जाए। बहुत रैली है, पहला चुनाव 80 में लड़ा और 80 से लेके अब तक मैंने 8 चुनाव लड़े, 6 बार मैं MLA बन गया। बहुत पार्टी के लिए जितना मेरे से हो सका किया, जनता के लिए हो सका तो किया, अब इससे आगे और दूसरों को मौका मिलना चाहिए। सर बाड़मेर में से बात करें तो 10 साल से गठबंधन को लेकर आपसे कोई सुझाव? क्या RLP से गठबंधन को लेकर नहीं, इस संबंध में इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं। क्या लगता है RLP और कांग्रेस का गठबंधन होगा? इसकी मेरे को जानकारी नहीं है सर, ये जो सोशल मीडिया की जानकारी है इससे अधिक जानकारी। सर आपने तो प्रमुख दावेदार कौन हो सकता है बाड़मेर? ये पार्टी तय करेगी। सर पिछले 10 सालों से भाजपा का कब्जा है बाड़मेर में लोकसभा, क्या वजह है कि कांग्रेस अपने यहाँ पर सीट नहीं ला पाई? नहीं वो तो पिछली बार मोदी जी के जो जुमले थे तो जुमलों में आ गई जनता, लेकिन बार बार जुमलों में नहीं आए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी यहाँ से लोकसभा की सीट जीतेगी।